तो हर हर महादेव साथियों, आप सभी को बता दें, इस वक्त हम हैं आपके सुजानगंज गौरी शंकर धाम। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही चर्चित है आपके सुजानगंज पूरे जौनपुर के अंदर, उसी धाम में हम लोग चल रहे हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं। अगर सुजानगंज की फेमस चीज़ बता दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर दुकानों पे लगा है एटम बम भरा पेड़ा। एटम बम यहाँ का फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाने। इस चौराहे से जो आपका मंदिर है वो लमसम 400 से 500 मीटर दूर पड़ जाता है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आने के लिए आपको जो आपका मुगला बादशाहपुर और सुजानगंज का हाईवे है और मछली शहर जाता है ये हाईवे, उसी हाईवे पे आएंगे तो आपको सुजानगंज बीच मार्केट से जस्ट आगे बढ़ेंगे मछली शहर की तरफ, तो आपको ये मंदिर जो है गौरी शंकर धाम मंदिर वो आपको मिल जाएगा। बस बहुत जल्दी आने वाला है 2 तारीख को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जंपिंग के लिए, आपके बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शंकर जी को जल चढ़ रहा है, तो लोग जो कांवड़िया वाले हैं, जो बोलबम वाले हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। वैसे तो जल डेली चढ़ता है, लेकिन जो मेन है वो 2 तारीख को है। मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से हर चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे ले पाएंगे। हर हर महादेव साथियों, एक बार फिर से आप सभी को बता दें, हम लोग आ गए हैं आपके गौरी शंकर धाम जो सुजानगंज पे है, और इसी गौरी शंकर धाम में हमारा जो पहला वीडियो था यूट्यूब का वो हमने शूट किया था, और ये दोबारा हम आए हुए हैं गौरी शंकर। वो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, और आशा करेंगे इस वीडियो में बहुत सारा प्यार देंगे। और आपको बता दें, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग आए हुए हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मंदिर परिसर के ऊपर, और आपको बता दें ये इसका मेन गेट है, उस तरफ भी एक गेट है, अभी हम लोग अंदर से दिखाएंगे। सकते हैं ओम श्री गौरी शंकर धाम, ये मंदिर है जो मेन मंदिर है, और यहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है। आपको बता दें बहुत भीड़ लगती है, आप कभी आएँ तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। परिसर है काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के बाद इधर एक गेट है, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मंदिर के परिसर के बारे में अगर हम बात करें तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, परिसर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भीड़ लगती है। और मेन मंदिर अभी जो है बंद हो चुका है, क्योंकि टाइम हो गया है बंद होने का, अभी ये 1 घंटे बाद कम से कम ओपन होगा। जो खुलने का टाइम है, समय देख सकते हैं, सुबह 4:30 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और 12:30 बजे ये बंद हो जाता है, फिर दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक ये ओपन रहता है। और ये मंदिर है, मंदिर के अंदर अभी हम लोग चलेंगे, पूरा कंप्लीट मंदिर दिखाएंगे। मंदिर परिसर के बाहर जो आप दूसरा गेट देख सकते हैं ये है, यहाँ से आपको बता दें मंदिर के अंदर आप व्हीकल ला सकते हैं, 4-व्हीलर 2-व्हीलर। यहाँ पे यज्ञशाला बनाया गया है जहाँ पे आप लोग यज्ञ कर सकते हैं लोगों के साथ आके। बताइए पंडित जी। जय सीताराम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैटू सेंटर। अरे यहाँ पे शादी विवाह का भी कार्यक्रम होता है इस मंदिर में। इसके बाद ये मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे आप लोग आते हैं दर्शन करने, तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह दे सकते हैं। आप देख सकते हैं भैया लोग भी आए हुए हैं दर्शन करने आए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया। भैया हाँ। लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? गिड़िहुली से। कहाँ से? गिड़िहुली। कहाँ पे? सेसनगर, ग्राम सभा सेसनगर। अच्छा, चलिए, तो कैसा लगा मंदिर में आके? मंदिर तो अपना पुराना ही है, हमेशा ही आते जाते रहते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा, यहाँ तो अब आना जाना लगा ही रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी आपको बता दें, अभी हम लोग हैं आपके मंदिर के बैक साइड में, आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैक साइड है। अभी मैं बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ शीतला जी का मंदिर है, अगर नारियल वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे, और ये स्पेस है जहाँ पे आप लोग धूप बत्ती वगैरह यहाँ पे जला सकते हैं। ये आपका पूरा कम्प्लीट मंदिर, और मंदिर ओपन जैसे ही होता है हम आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। 2 घंटे इंतज़ार के बाद मंदिर ओपन हो गया है, और आइए अब हम लोग चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। तो अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर, भगवान शंकर जी का दर्शन कराएंगे आप लोगों को। ताकि यहाँ पे क्या होते हैं, शादियाँ संपन्न होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। कौन आए? Thank you.
आप लोगों ने भगवान शिव जी का दर्शन किया और मंदिर के अंदर कैमरा ज़्यादा अलाउ है नहीं। इसी मंदिर से जस्ट बगल में श्री राम जानकी जी का मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान बजरंगबली जी। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं, भगवान श्री राम जी का दर्शन कराते हैं आप सभी को। जय श्री राम। ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, भगवान श्री राम दरबार, और जिसमें भगवान श्री राम जी की ये चरण पादुका। जय माँ दुर्गे, जय माता दी, श्री गणेश भगवान और श्री राधे जी और श्री कृष्ण जी यहाँ पे विराजमान। बेटा कहाँ से आए हो? हम सुबेरी रंगीता। स्कूल में पढ़ने आए थे, यहाँ पे घूम रहे हो? दर्शन करने आए हो? दर्शन करने आए हैं। दर्शन हो गया तो अब कब जाओगे यहाँ से? अभी जाने वाले हैं, कोचिंग जाना ना, ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन रहता है तो यहाँ पे टाइम व्यतीत कर लेते हो? नहीं, मम्मी आई यहाँ दर्शन करने। तो अच्छा, मम्मी दर्शन करने के लिए आए। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? हमको आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से यहाँ हो? किस क्लास में होगी? मैं सेवन्थ में। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ कांवरिया वाले यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे जल लेके आए हैं, तो अभी इनसे हम बात करने वाले हैं कि जल कब तक चढ़ाएंगे और कैसा इनका सफ़र रहा पूरा प्रयागराज से लेकर यहाँ गौरी शंकर धाम तक। कैसा रहा आपका ये सफर? सब ठीक रहा, सब सही रहा। चंगे भैया, कैसा रहा सफर आपका पूरा प्रयागराज से लेकर यहाँ पे श्री गौरी शंकर धाम सुजानगंज तक, जो लमसम आपको बता दे 50 से 60 किलोमीटर का रेंज है, तो कैसा रहा पूरा कंप्लीट सफर रही आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। महादेव, हर हर महादेव भैया। जैसे कि अभी देखिए सावन माह चल रहा है और भोले की महिमा है कि हम लोग को कोई तरीके से कष्ट नहीं हुआ और हम लोग सब सुरक्षित अपने गौरी शंकर धाम सुजानगंज में आ गए। अच्छा, तो अभी जल कब तक चढ़ाएंगे आप लोग? जल देखिए अभी तो सुबह के समय 5 बजे के करीब हम लोग जल अभिषेक करेंगे। अच्छा, सुबह 5 बजे तक। जी। और कुछ आप कहना चाहते हैं? रास्ते का जो सफ़र था, कोई तकलीफ वगैरह हुई? नहीं, ऐसा नहीं, सब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत है, उससे थोड़ा बहुत तो कष्ट हुआ होगा। सड़क बहुत गर्म है, जैसे कि आप कह रहे गर्मी है, वो तो सबको मालूम है कि गर्मी है, लेकिन सब महादेव की कृपा है, उनकी दया दृष्टि है, हम लोग किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। हम लोग अपने गौरी शंकर धाम सुजानगंज सही से पहुंच गए हैं और सुबह 5 बजे हम लोग जल अभिषेक करके फिर आगे की अपने घर की तरफ बढ़ जाएंगे। जी। तो भैया से हम जानना चाहेंगे, सेम भैया आप भी आए हैं, सभी लोग हमें लगता है साथ ही में आए हैं, तो कैसा रहा सफ़र पूरा? बढ़िया सफ़र था, बढ़िया सफ़र रहा। और कोई कुछ बताना चाहते हो? जितने भी कवरिया वाले हैं, अभी कुछ लोग आएंगे क्योंकि 2 तारीख को अभी यहाँ पे 13 है, तो अभी कुछ लोग रास्ते में हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बढ़िया सफल था, आराम से आए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। और जो गर्मी है इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि बारिश हो जाती तो अच्छा था? नहीं, कि सब ठीक है, बारिश हो जाता तो बढ़िया था, उसका बहुत गर्म था ना सड़क। साथ ही में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। हमारा भी एक्सपीरियंस सही है, बस साथ में हम लोग भी साथ में चल रहे थे। अच्छा, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, आप लोगों का घर कहाँ पे है? घर हमारा चंदे गोबिंदपुर है। जौनपुर में ही आता है? नहीं, प्रतापगढ़ में। अच्छा, प्रतापगढ़ से आप लोग यहाँ गए प्रयागराज, प्रयागराज से यहाँ पे आए हैं, यहाँ सुजानगंज में जल छोड़ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया आप अपने बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा सफर आपका? सब कुछ बढ़िया था, महादेव की कृपा से सफर का अच्छे से कट गया, सफर एकदम बेहतरीन चला आप लोग, एकदम मस्त सफर कटा। और धूप में दिक्कत हुआ है। तो पहली बार आप यहाँ आ रहे हैं श्री गौरी शंकर धाम में? तो पहले इससे पहले आ गए हैं? दूसरी बार हमारी कमेटी का। अच्छा, दूसरी बार आप आए हैं, जल छोड़ने आए हैं दूसरी बार? दूसरी बार, दूसरी साल। और इससे पहले कहाँ छोड़ रहे थे आप लोग? यही दूसरी बार आए। अच्छा, सेकंड टाइम आप यहीं पे आए हैं गौरी शंकर में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, अपना ठीक ठाक है। ठीक ठाक आ गए हैं? हाँ, पहुँच चुके हैं सही से धाम पे यहाँ। हाँ, उनकी दर्शन हो जाए यही बहुत है। भगवान का दर्शन हो गया, अब जल सुबह 5 बजे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपने घर की तरफ। वो का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा, भैया लोगों से हमने बात किया, जितने भी कवरियाँ हैं, अभी 2 तारीख को भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे आकर। और आप यहाँ पे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर इस मंदिर में आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।